हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर ने प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द ईयर 2020-2021 ये जारी कर दी है। तो ये साइंस ग्रुप की है, टू ईयर बीएड। तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 11 फरवरी को है 10 बजे। तो उत्तर प्रदेश से जो जनरल कैटेगरी में जो वेटिंग लिस्ट में है उनके नाम मैं बोलता हूँ। अनुराग गुप्ता, पहले बता देता हूँ मैं, 11 सीट हैं वहाँ, 11 जनों के नाम सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में है। यहाँ 22 कैंडिडेट्स हैं वो इसमें लिए गए हैं वेटिंग लिस्ट में। अनुराग गुप्ता है, शिवम राघव, कीर्ति कश्यप, आकांक्षा सिंह, रोमेश सारस्वत, दीक्षा पांडे, अंजलि अग्रवाल, संध्या कुमारी, ऋषभ कांत सिंह, प्रशांत भारद्वाज और श्यामली। यहाँ फिर आगे आता है ऐशा आफरीन, विभोर मित्तल, अनुलेखा सिंह, पिंकी गहलोत, शालिनी पांडे, उमा यादव, आशी पांडे, गौरव राय, रोहित गंगवार, कीर्ति ज्वाला, सुरभि अग्रवाल। अब ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी में जो सेलेक्ट हुए हैं वो, अब 7 कैंडिडेट तो ले लिए थे, यहाँ 14 कैंडिडेट आपके उसमें ओबीसी कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में लिए हैं। उमा यादव, रोहित गंगवार, कीर्ति ज्वाला, अंशिका मौर्य, श्यामा प्रवीण, रजनीश कटियार, साहिल वर्मा, वेदांत नागर, सौरभ सिंह पटेल, धर्मेंद्र कुमार, सोनम यादव, वैष्णवी जायसवाल, तृप्ति चौहान, हिमांशु साहू। पहले मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि आप तैयार रहिएगा, अपने कागज़ पत्र तैयार कर लेना, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट और कहीं एडमिशन ले चुके हैं, तो आपका एडमिशन होने की भी पूरी उम्मीद है। जो इसमें जो सेलेक्शन लिस्ट में आए हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे, तो आप भी तैयार रहिएगा। अब चलते हैं एससी कैटेगरी में। तो मधु, ब्रिज कुमार गौतम, दीपक कुमार है और सुनीत कुमार, आदित्य कुमार, चंद्रेश कुमार नंद, अंकित रमन। एसटी कैटेगरी में तो कोई नहीं है, तो इसके अगेंस्ट लिए हैं एससी कैटेगरी में मधु, ब्रिज कुमार गौतम, दीपक कुमार। तो ये दीपक कुमार ऊपर, यहाँ ऊपर भी नाम है इनके, तो आप देखेंगे ये जो दीपक कुमार के नाम है, यहाँ जो दो दीपक हैं, एक यहाँ भी, फिर वो दीपक के नाम, ये देखिए दो दीपक हैं, 3 और 4 नंबर पे जो दीपक हैं वो ही यहाँ पर हैं। ये यहाँ 3 और 4 नंबर पे, यहाँ एससी कैटेगरी में भी हैं ये, और एसटी कैटेगरी में भी। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में श्रेयराज सिंह, धीरेंद्र श्रीवास्तव, अलख, निरंजन चतुर्वेदी, हिमानी चौधरी, कोमल निगम और अनामिका बर्नवाल। ओके, तो ये 6 कैंडिडेट हैं। राजस्थान से चलेंगे तो आयुष पंवार हैं, दिव्यांक दिवाकर, मेधा टुटेजा, सोनाक्षी पुरी, सदफ अंजुम, विदुषी मिश्रा, प्रियांशी व्यास, स्वप्निल सिंह, हिमांशु सोनी, शिवानी गहलोत और मीरू दिव्येश, आकांक्षा रनावत, सीमा रावत, अक्षिता गौर, हिना भारती। अब आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, राजस्थान ने 15 लिए हैं, राजस्थान की 5 ही सीट हैं, तो राजस्थान में हमेशा 3 गुना लिए जाते हैं जो वेटिंग लिस्ट में, और यूपी में हमेशा 2 गुने लिए जाते हैं। जैसे 11 सीट हैं तो जनरल में 22 लिए हैं, राजस्थान में 5 सीट हैं, यहाँ 15 लिए हैं, 10 की बजाय 15 लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ ओबीसी कैंडिडेट्स में लिए गए हैं शिवानी गहलोत, सीमा रावत, हिना भाटी, अनिता जाट, दीपक जांगिड और संजू धारा। और एससी कैटेगरी में प्रवीण मेघवाल, उमेश मेहरा और बिरजू दायना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आकांक्षा रानावत, गोविंद नारायण शर्मा और सुमित सारस्वत। तो ये जो जैसे एक नंबर पे हैं आकांक्षा रानावत, जैसे और कोई एडमिशन नहीं लेता तो सीधा आकांक्षा रानावत का एडमिशन हो जाएगा। ये भी एडमिशन नहीं लेते, 2 नंबर वाले का, गोविंद नारायण शर्मा का हो जाएगा। चलिए स्टेट पंजाब में चलते हैं। तो पंजाब में ओबीसी कैटेगरी में चलें तो ओबीसी कैटेगरी में पंजाब में शिवानी गहलोत, उमा यादव और सीमा रावत। ठीक है, तो इसमें पंजाब की ओबीसी कैटेगरी में कोई पंजाब से नहीं है, तो यहाँ आपको कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ 2 राजस्थान से लिए हैं और 1 कैंडिडेट है वो आपका यूपी से लिया गया। ये देखिए, पंजाब में ओबीसी से कोई कैंडिडेट नहीं है, अप्लाई नहीं किया होगा, तो यहाँ पे ले लिए गए हैं। 2 राजस्थान से हैं, शिवानी गहलोत और सीमा राउत, 1 उमा यादव हैं। हरियाणा से देखें तो हरियाणा में निशांत रैना है, निशु त्यागी हैं, मयंक शर्मा जनरल कैटेगरी में, चंचल दहिया, दिव्या मित्तल और रोहित तन।
ओबीसी कैटेगरी हरियाणा में उत्सव है, रितु है और शिवानी गहलोत है। अब ये यहाँ ओबीसी कैटेगरी में किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा तो यहाँ पे हरियाणा, दो हरियाणा से हैं तो एक राजस्थान से भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, ये जो तीन हैं शिवानी गहलोत, इनका नंबर हरियाणा कैटेगरी में भी डाल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, जो जो टॉप, फिर जब पूल कोटे में से ले लिया जाता है, जब कोई अप्लाई नहीं करता है, जब कोई सीट खाली रह जाती है, तो दूसरे स्टेट से भी ले लिए जाते हैं जो पूल बना करके जो सबसे ऊपर होता है। अब दिल्ली में लिस्ट में चलते हैं तो जनरल कैटेगरी लिस्ट में रोहिमा शर्मा है, रगीब अहमद खान है और शालू कौशिक हैं। ऐसे पूल जनरल कैटेगरी में चलेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के में। तो यहाँ उत्तराखंड से हिमांशु पंत और हिमानी पांडे वेटिंग लिस्ट में हैं, हिमाचल प्रदेश से दो नाम हैं, मधु शर्मा और अपेक्षा अवरोही, और उत्तराखंड से फिर से स्वाति कुरियाल और प्रियंका सती, इनका वेटिंग लिस्ट में सेलेक्ट हुई। तो आप डॉक्यूमेंट सब तैयार करके रखिए। पूल ओबीसी कैटेगरी में दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ से, तो ये वेटिंग लिस्ट छः नंबर पे आपको शिवानी गहलोत मिल रही हैं। तो ये आपको पूल कोटे में कोई कोई कैंडिडेट उपलब्ध नहीं ओबीसी में, तो राजस्थान से फिर से ले लिया गया। तो यहाँ प्रिया जांगिर हैं, पंकज कुमार, कनिका चौरसिया, विशाल कुमार, शिवांगी वालिया और शिवानी गहलोत, ये राजस्थान से हैं। तो आप देख रहे हैं पहला नंबर दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा फिर दिल्ली, चौथी हरियाणा को गई है, पाँचवीं दिल्ली को, और छठे नंबर पर कोई उपलब्ध नहीं था तो राजस्थान पे को ले लिया गया। पूल एस सी कैटेगरी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान, क्योंकि वहाँ एस सी को सीट मिल चुकी है। तो यहाँ पूल कोटे में से दिल्ली से त्रिशला सिंह है, हरियाणा से दीपक रंगा है, फिर सारे दिल्ली को सीट गई, प्रतिभा आर्या, प्रियंका, मोनिका और अक्षय कुमार। तो ये वेटिंग लिस्ट में इनका नाम है। अब पूल्ड एसटी कैटेगरी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया है कि एसटी की कैटेगरी की लगभग सीटें राजस्थान को जाती हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में भी सारे राजस्थान के ही, पूल कोटे में भी, तो ये पहले से लेकर छठे नंबर पर राजेश कुमार मीणा, राकेश मीणा, अजीत मीणा, आशा मीणा, भूपेश कटारा एंड सविता कुमारी मीणा, इनका वेटिंग लिस्ट में नाम है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली में जाएं तो उत्तर प्रदेश और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही नाम आ चुके हैं। तो दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली, तो दो नाम दिल्ली से, एक हरियाणा से, मनीषा वानी है, टोबिन सिंह और रमेश नुसरत। ओके, ईडब्ल्यू कैटेगरी में चलें तो यहाँ आपको पहले छः नाम आपको यूपी से मिलते हैं, अनुराग गुप्ता, शिवम राघव, कीर्ति कश्यप, आकांक्षा सिंह, रोमेश सारस्वत और दीक्षा पांडे। आगे फिर दिल्ली से हैं रोहिमा शर्मा, रगीब अहमद खान और राजस्थान से अनुषा पावा, ये पीडब्ल्यू कैटेगरी से। तो ये नोट दिया हुआ नीचे, नो पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स अवेलेबल देयर ऑफ द टू सीट्स विल गो टू जनरल कोटा ऑफ यूपी स्टेट एंड वन सीट विल गो टू जनरल कोटा ऑफ ऑल स्टेट यूटी एंड वेटिंग लिस्ट 1-2 वेटिंग लिस्ट 6 कैंडिडेट सेलेक्शन फ्रॉम जनरल कोटा ऑफ यूपी एंड वेटिंग लिस्ट 7-2 वेटिंग लिस्ट 9 कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम जनरल कोटा ऑफ ऑल स्टेट्स यूटी अगेंस्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो ये फ्रेंड्स, ये आपकी लिस्ट थी। तो मैं इसको मेरे वीडियो के यूट्यूब पे डालने के साथ साथ मैं इस लिस्ट को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, 11 फरवरी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।